हाँ जी, एसीएस का डिसीजन है, एसीएस का डिसीजन है और ये पूरे हरियाणा प्रांत में लागू होगा। वैसे तो ये चिट्ठी पहले आ गई थी, मगर हमने डीसी मैडम से रिक्वेस्ट करके कि इससे लोगों में परेशानी होएगी, और डीसी मैडम इसके लिए, क्योंकि जो एसीएस की चिट्ठी आती है, एसीएस का जो भी ऊपर से संदेश आता है, दिशा निर्देश आता है, उसमें एक लाइन ऐड होती है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अगर कुछ इसमें चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो डीसी मैडम ने, हमने कहा कि ये लोगों से दिक्कत आएगी, तो डीसी मैडम ने हमारी बात करके यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे कुछ चेंज किया, हाँ कुछ चेंज किया, मगर अब ऊपर से स्ट्रिक्टली लेटर आ गया कि इसको हमने लागू करना है, इन्फोर्स करवाना, हाँ। तो इसलिए डीसी मैडम ने मैसेज भेजा कि एसडीएम साहब को भी कहा, मेरे पास कितना प्रैक्टिकल और फिजिबल लगता है ये, देखिए मैं सरकार के आदेश को प्रैक्टिकल ही मानूंगा, मैं सरकार के आदेश को, जो सरकार का आदेश आया है उसको प्रैक्टिकली मानूंगा, कोई ना कोई, क्योंकि सरकार हमेशा पॉजिटिव सोचती है, नेगेटिव कभी भी नहीं सोचती, पार्ट एंड पार्शल ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ नो डाउट। मगर मैं ये समझता हूँ कि हमारे से भी ज़्यादा ऊँची सोच के वहाँ लोग बैठे हैं, जो भी उन्होंने किया कुछ सोच समझ के किया होगा, हाँ पॉलिसी जो बनाई है वो कुछ ना कुछ सोच समझ के बनाई होगी, और निश्चित तौर पर वो जनता के हित के लिए बनाई है और वो पॉजिटिव है, मगर फिर भी अगर कहीं डिस्कस करने की जरूरत होगी। एक लास्ट पॉइंट और पूछता हूँ कि हांसी आपकी वजह से कोरोना मुक्त भी रहा, लेकिन एक दो स्लाइड जो यानी ट्रैवल हिस्ट्री के केसेज आने शुरू हुए हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि चार कोरोना केसेज? देखिए ये दुर्भाग्य हमारा, आज तक हम बड़े फख्र के साथ कह रहे थे कि हमारा ट्रैवल हिस्ट्री का, नो डाउट, मगर हाई तो हमारे इलाके में ही ना, हाँ मगर वो हैं, ट्रैवल हिस्ट्री है उनकी, जैसा कि आप बता रहे हैं बॉम्बे से आए हैं तीन और एक दिल्ली से आया, चार हमारी सब डिवीज़न में हो गए, हमारी कंस्टिट्यूंसी में कह लें, हमारी सब डिवीज़न में कह लें, चार केस हो गए। तो उसके लिए हमने जो भी सरकारी तौर पे जो एहतियात बरतने हैं, जो उनके देख रेख के लिए जो हमने इंतजाम करने हैं, वो सारे पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिए गए हैं, और भविष्य में ऐसा कोई केस ना आए इसके लिए भी हम पूरी तरह से चौकन्ने हैं। बाकी जिस तरह के हालात होंगे सरकार बराबर नजर रखते हुए, सलूट करते हैं बार-बार ये चीज़ क्या ये लेफ्ट राइट लागू हो गया है या न्यू आए या फिर टाइमिंग्स क्या रहेंगे? देखिए लेफ्ट राइट लागू हो गया है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, कल से लेफ्ट साइड दुकानें खुलेंगी, जो हमने बताया आप सभी को, बाकी व्हाट्सएप पर मैं छोड़ दूंगा आपके पास, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। नंबर तीन बात, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में जो चीज़ें हैं, दवाइयों की दुकानें वो खुल सकती जैसे पहले खुलती थी, उसके बाद दूध वाली दुकानें जो सुबह शाम खुलती वो खुल सकती हैं, हलवाई की दुकानें भी दूध के साथ खुलेंगी जैसे सुबह पहले 7 से खुलती थी, शाम के 7 बजे तक खुलती थी। उसके बाद आती है आपकी किराना की दुकानें, इन्होंने सुबह 2 घंटे जल्दी मांगा हमसे तो 7 से 5 तक खोल लेंगे, खाद बीज वाले भी 7 से 5 खोल लेंगे, उसके अलावा सभी दुकानें 9 से 6 बजे तक खुलेंगी। लेफ्ट राइट का फंडा कैसे क्लियर करेंगे? लेफ्ट राइट का हमने सभी दुकानें बता दी हैं, पॉइंट से पॉइंट तक बता दी, ये साइड की लेफ्ट रहेंगी, ये साइड की राइट रहेंगी, आप सभी को कन्वे कर दिया गया है। राइट यानी कि कल से कौन सा, यानी कल से लेफ्ट साइड दुकानें खुलेंगी, फ्राइडे है कल, और संडे को दुकानें खुली रहेंगी, जी शेड्यूल में खुली रहेंगी, शेड्यूल के अनुसार जैसे कल लेफ्ट है परसों राइट है फिर संडे को लेफ्ट साइड दुकानें खुलेंगी। लेफ्ट राइट में जो मेडिकोज वगैरह की दुकानें होंगी वो मेडिकोज की दुकानें, किराना दुकानें वो लगातार खुली रहेंगी, उसका लेफ्ट राइट का कोई इशू नहीं, संडे को लेफ्ट साइड दुकानें खुलेंगी जैसे इसके हिसाब से आ रहे हैं, हाँ मार्केट खुलेगी। फ्राइडे से क्या खुलेगा? फ्राइडे को लेफ्ट, सैटरडे को राइट, संडे को लेफ्ट, यानी कि इनिशिएशन लेफ्ट से होगा। जी जी जी, थैंक यू। ये थे एसडीएम साहब, और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि लेफ्ट राइट का फंडा फिर से चालू हो गया है, यानी कल से लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट ऐसे खुलेगी, और कुछ टाइमिंग का शेड्यूल भी बदला है, वो आपके सामने आ जाएगा। मैं राजीव बंसल, हांसी के